हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता अपने यूट्यूब चैनल इंडियन फूड विद श्वेता में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बेसन के गट्टे की सब्जी, जो कि हम बिल्कुल थोड़े तेल में ही बनाएंगे। और आज की जो रेसिपी बनाएंगी वो बनाएंगी हमारी मम्मी जी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमने बेसन लिया और बेसन में हम डाल रहे हैं थोड़ी सी हल्दी पाउडर और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक, लगभग आधा चम्मच छोटी, और थोड़ा सा इसमें हमने डाला गरम मसाला। और अब इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ी सी दही, लगभग 3 चम्मच। और अब हम सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अब हम हमारे बेसन को अच्छे से गूंथ लेंगे। ये जो बेसन है हमने ज़्यादा टाइट नहीं गूंथना है, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट गूंथना है। बेसन को हमने मीडियम ही गूंथना है। तो फ्रेंड्स, हमने बेसन को अच्छे से गूंथ लिया है और अब हम थोड़ा सा तेल लगाकर हमारे बेसन को चिकना कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमने बेसन को अच्छे से गूंथ कर चिकना कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अब हम बेसन के छोटे छोटे गोले बना लेंगे। तो गोलों को हम अच्छे से लोई के रूप में बना लेंगे। फ्रेंड्स, और अब हम लोई को अच्छे से बेल लेंगे, जिस तरह से हम रोटी को बेलते हैं। और अब हम रोटी को रोल कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से जो हमारे बेसन के गट्टे हैं तैयार हो जाएंगे। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसी तरह से हम हमारे सभी गट्टों को तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, चूल्हे में हमने आँख को तेज कर लिया है और कढ़ाई में हम डालेंगे 1 लीटर के लगभग पानी। पानी को हमने अच्छे से उबालना है। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हमारे सभी बेसन के गट्टे तैयार हो गए हैं और पानी हमारा अच्छे से उबल गया है। और अब इसमें हम डालेंगे हमारे बेसन के गट्टे। लगभग 7 से 8 मिनट में जो हमारे बेसन के गट्टे हैं वो अच्छे से उबल जाएंगे।
फ्रेंड्स, अब हम हमारे बेसन के गट्टों को उबलने के बाद एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो अपने सभी बेसन के गट्टों को फ्रेंड्स हमने कढ़ाई से निकाल लिया है और जो हमारा कढ़ाई के अंदर पानी है इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे क्योंकि सब्जी बनाते समय हमें इसी पानी का प्रयोग करना है। और अब हम कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल। तेल आप कोई भी दूसरा यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम हमारे बेसन के गट्टों को काट लेंगे राउंड शेप में। आप साइज में बड़े छोटे अपने हिसाब से कर सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन हमने छोटे छोटे साइज में ही गट्टों को काट लिया है। तो फ्रेंड्स तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच जीरा, और अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हमारा लहसुन। लहसुन को हम अच्छे से ब्राउन करेंगे फ्रेंड्स। लहसुन के ब्राउन होने के बाद फ्रेंड्स इसमें हम डालेंगे हमारी बारीक कटी हुई प्याज। प्याज हमने दो बारीक काट कर ली है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स प्याज को भी हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन भुनेंगे। तो जब हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तब इसमें हम डालेंगे हमारी बारीक कटी हुई अदरक और हरी मिर्च जो कि हमने बारीक कट कर ली है। इनके अच्छे से भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे हमारे बारीक कटे हुए टमाटर जो कि हमने दो टमाटर को काट कर लिया है फ्रेंड्स। अब इनको भी हम अच्छे से भूनेंगे फ्रेंड्स। और अब इसमें हम डालेंगे हमारे सूखे मसाले, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर एक चम्मच, और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से भूनेंगे फ्रेंड्स। अच्छे से हमने मसाले को भूनना है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे फ्रेंड्स इसमें। और इसमें हम डालेंगे जो हमारा बेसन का पानी था जिसमें हमने गट्टों को उबाला था वो पानी अब इस सब्जी में हमने डाल दिया है फ्रेंड्स। अगर आपको पानी कम लग रहा है तो आप थोड़ा सा और पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी अब हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे जो कि हम पहले भूल गए थे। कश्मीरी लाल मिर्च से जो सब्जी का कलर है वो बहुत ही बढ़िया आता है फ्रेंड्स। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो फ्रेंड्स पानी में अच्छे से आ गया है उबाल। और अब इसमें हम डालेंगे हमारे बेसन के गट्टे।
तो फ्रेंड्स बेसन के सारे कट्टों को हमने काट लिया है और अब इसको हम डाल देंगे हमारे उबलते हुए पानी में। लगभग 5 से 7 मिनट तक इन गट्टों को हम सब्जी में उबालेंगे जिससे ये बिल्कुल अच्छे से पक जाएंगे। तो फ्रेंड्स हमारी जो सब्जियाँ लगभग पक गई है और अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इससे हमारी सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स हमारी सब्जी में उबाल आ गया है और हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार हो गई है और अब इसको हम चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स चूल्हे से हमने सब्जी को नीचे उतार लिया है तो आप देख सकते हैं हमारी जो सब्जी का कलर है बहुत ही बढ़िया आया है। दिखने में जितनी अच्छी दिखाई दे रही है खाने में भी उतनी ही टेस्टी होगी। तो फ्रेंड्स हमारे बेसन के कट्टों की सब्जी बिल्कुल रेडी हो गई है। आप इस सब्जी को घर पर ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।